जर्मनी मूव करना चाहते हो या फिर यूरोप मूव करना चाहते हो और पता नहीं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करना चाहिए मूव करने से पहले, किस चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए बिफोर आप डिसीजन ले कि इस कंट्री में मुझे जाना है, तो ये वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि हम इसमें स्टार्ट टू एंड डिस्कस करेंगे कंट्रीज के बारे में कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ ये कंट्री है जहाँ मुझे जाना है या फिर ये कंट्री है मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे दोबारा सोचना चाहिए इसके बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट होता है इकोनॉमी देखना, मतलब किसी कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, उसकी जीडीपी क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना। क्योंकि अभी आप देखोगे कि यूरोप में काफ़ी रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रही है, जर्मनी खुद एक श्रिंकिंग इकोनॉमी है जो पिछले साल -0.3% से कम हो गई थी। यही रीज़न है कि इंडिया जर्मनी को ओवरटेक करके एक सुपर पावर बन जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के पाथ पे है। तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि जर्मनी में कुछ खराबी है या फिर जर्मनी उसी लेवल पे है जो कुछ सालों पहले था, जैसे जर्मनी को कहा जाता था यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल इकोनॉमी कहा जाता था जर्मनी को, लेकिन अभी वही क्राइसिस में है। तो ये इसलिए है क्योंकि उनकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, जॉब्स कम हो रहे हैं, कंपनीज बैंकरप्सी फाइल कर रही है, वैसा सिचुएशन नहीं रहा जैसे पहले था। जर्मनी के खर्चे बढ़ गए हैं क्योंकि आपको पता होगा वॉर हुई थी, उसके वजह से गैस प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो जर्मनी अब चीपर गैस इंपोर्ट करता था पहले, अभी वही एक्सपेंस उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये थोड़े से रीजंस है, तो ऐसी चीज़ें आपको थोड़ी एनालाइज करनी पड़ेगी उस कंट्री के बारे में जहाँ आप मूव करना चाहते हैं। दो फैक्टर स्पेशली उसका जीडीपी, उसका जीडीपी पर कैपिटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड इज वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है कि नहीं, तो आपकी कौन सी जॉब है, आपकी क्या प्रोफाइल है। जैसे कि काफ़ी लोग मुझे लिखते हैं जो फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स है जिनको यहाँ पे जॉब के लिए मूव करना है, या मेकअप आर्टिस्ट, तो ये काफ़ी रिस्की प्रोफेशन है। एक तो आप इंडिया से अप्लाई करोगे आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ अंटिल आप कोई नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर ना हो। और यहाँ पे कौन सी स्किल्स की कमी है वो सबसे ज़्यादा देखना है। तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ये कोई क्रिटिकल स्किल नहीं है, ये आजकल हर कोई कर लेता है, मैं खुद वीडियो बनाया जबकि मैंने उसकी कोई पढ़ाई नहीं की है, ऑल्दो दे आर नॉट प्रोफेशनल बट कुछ तो बना लेते। क्रिटिकल स्किल्स कौन से हैं किसी कंट्री में, हर कंट्री की अपनी एक लिस्ट होती है जो वो रिलीज करते हैं, जिसको कहते हैं शॉर्टेज ऑफ लेबर लिस्ट या फिर हाई स्किल्स लिस्ट, या फिर जैसे आयरलैंड में है क्रिटिकल स्किल्स लिस्ट। तो हर कंट्री की अपनी एक लिस्ट होती है, आपको उस लिस्ट को आपको इस चीज़ को गूगल करना है और फाइंड आउट करना है कंट्री के ऑफिशियल वेबसाइट से कि अभी कौन सी ऑक्यूपेशन है जहाँ पे सच में शॉर्टेज ऑफ लेबर है और क्या आपका ऑक्यूपेशन उसमें आता है। जैसे मैं आईटी में काम करती हूँ और आईटी ऐसा प्रोफेशन है जो यूरोप में हाई स्किल में आता है, इसकी हमेशा यहाँ पे शॉर्टेज होती है क्योंकि यूरोप इतना एडवांस नहीं है जितना इंडिया है आईटी के मामले में। तो यहाँ पे आईटी एक्सपर्ट्स की हमेशा हमेशा ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप अगर 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बीच में करंटली हो तो बहुत हाई चांस है कि आपको यूरोप से डायरेक्ट जॉब ऑफर हो सकता है इंडिया से ही अप्लाई करके। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत नेसेसरी है। जैसे डॉक्टर्स नर्सेस वो भी हाई स्किल में आते हैं लेकिन उनके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है या फिर उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो नहीं होता इंडिया के डॉक्टर्स के पास, जैसे जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है या फिर अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रेंच लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। और ये सिर्फ रिक्वायरमेंट तक नहीं रुकता, इसके लिए आपको एग्जाम देने पड़ते हैं प्रूव करने के लिए कि आपके पास इनाफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। और सिर्फ लैंग्वेज के एग्जाम नहीं, उसके लिए जो डॉक्टर का लाइसेंस मिलता है उस लाइसेंस को मिलने के लिए भी उस लैंग्वेज में एग्जाम देनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें जो उनको ज़्यादा पता होती है जो उस प्रोसेस से गए हैं या फिर उस कंट्री में रहते हैं, या फिर आप थोड़ा ज़्यादा ऑनलाइन रिसर्च करोगे। मैंने डॉक्टर्स प्रोसेस पे पूरी इन्फॉर्मेशन पे वीडियो बनाया है और वो भी एक जर्मनी के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ, बहुत ही रिलायबल इन्फो है, वो फ्री में आपकी काउंसलिंग भी कर देंगे, कोई लाखों रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और यहाँ पे भी लिंक कर दूंगी। तो ये है जॉब ओपनिंग्स के बारे में की सच्चाई। अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाली थोड़ी सी होंगी, मिड लेवल वाली उससे थोड़ी ज़्यादा होंगी, और जो इंटर्न लेवल वाली है वो थोड़ी ज़्यादा होंगी, मतलब स्टूडेंट लेवल की जॉब, क्योंकि एक इकोनॉमी जो अभी सफ़र कर रही है वो परमानेंट पोजिशन कम दे पाती है और इसलिए वो टेम्परेरी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स
कि भैया तुम 6 महीने आओ हमारे साथ काम करो और तुम्हें निकल जाना है 6 महीने के बाद, और सैलरी भी कम लोगे बट काम तो तुम करके जाओगे। तो ये थोड़ा एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब्स के बारे में जो ओपन है, तो वो देखो कि कौन सी जॉब ज़्यादा ओपन है और उसमें भी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अगर आप हायर मैनेजमेंट में जर्मनी में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली जर्मन लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। बहुत रेयर है कि जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है वो हायर मैनेजमेंट में चला जाए। यहाँ पे स्टार्टअप में इजी है बट बड़ी एस्टैब्लिश कंपनी में मैनेजमेंट में जाना बिना लैंग्वेज के बहुत टफ होता है, टू बी ऑनेस्ट। फिर अब आपने देख लिया कि आपकी जॉब को यहाँ पे डिमांड है, आपकी जॉब की ओपनिंग्स भी है, बट वीज़ा प्रोसेस का क्या है? टू बी ऑनेस्ट, जर्मनी के वीज़ा प्रोसेस काफ़ी इजी है। सारी कंट्रीज जो यूरोप में है उनकी वीज़ा प्रोसेस काफ़ी इजी है, बट अगर आप यूएस का देख लो तो कितने लोग वीज़ा की वजह से वापस आ जाते हैं, उनका वीज़ा ही नहीं लगता या फिर उनको कहीं और 1 साल 2 साल दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है। जैसे इम्पॉसिबल ही होगा या फिर बहुत ही रेयर होगा कि किसी ने इंडिया से यूएस में जॉब अप्लाई की और उसको मिल गई और कंपनी उसका H1B स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है और इमिग्रेशन प्रोसेस करने के लिए रेडी है। ये बहुत रेयर होगा, बट जर्मनी में ये होता है। अगर आपको इनफ एक्सपीरियंस है, अगर कंपनी हायर करने के लिए रेडी है, तो आप खुद भी आपका जॉब अप्लाई कर सकते हो या फिर वो कंपनी भी खुद ही अप्लाई कर सकती है आपके लिए। उसमें ज़्यादा कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे US में हज़ारों डॉलर्स लग जाएंगे बट यहाँ पे आपका सिर्फ वीज़ा फीस देनी है जो 100 यूरो के भी नीचे है, एंड आपका डॉक्यूमेंटेशन करना है एंड आपका फ्लाइट कॉस्ट का देखना है, इतना ही होता है। तो वो 1000 यूरो भी नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। तो ये सब सिचुएशंस है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोसेस कैसा है, कितना लंबा चलता है। लोग मुझे लिखते हैं कि उनको वर्क परमिट चाहिए, वर्क परमिट नहीं बटता तो इट्स नॉट ईजी कि आप वर्क परमिट अप्लाई कर लो बिना जॉब के। इम्पॉसिबल है कि कोई यूरोपियन कंट्री आपको वर्क परमिट देगी। बहुत स्कैमर्स आपको कहते हैं कि वर्क परमिट दिलवा दूंगा, लाखों रुपए लेते हैं और भाग जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में आप ना पड़े, प्लीज प्रोसेस को ध्यान दें, थोड़ी रिसर्च करें। नहीं समझ आता तो मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, इतना कुछ महंगा नहीं है। 1000 2000 में आपका अपॉइंटमेंट में मैं आपको सब बता दूंगी कैसा प्रोसेस है, या फिर मेरे वीडियोस देख सकते हैं तो फ्री में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड दैट्स अबाउट इट। फोर्थ पॉइंट है सैलरी कितनी है और उस सैलरी से सेविंग कितने जम रहे हैं। कोई कंपनी जो जर्मनी में है इंडिया से हायर करना चाहती है तो फिर डेफिनेटली वो ये तो करेंगे कि इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं देंगे। डेफिनेटली जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस जर्मनी में है उसको अराउंड 100,000 की सैलरी ऑफर करेंगे, बट अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस इंडिया में है और आपको इंडिया से हायर कर रहे हैं तो आपको अराउंड 89,000 90,000 95 तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा बहुत टफ है। डिपेंड्स ऑन कंपनी कि यूएस की कंपनी तो बहुत सैलरी देती है, वरना टफ है। डिपेंड्स ऑन हाउ यू नेगोशिएट एंड डिपेंड्स ऑन कंपनी कितना बजट देने के लिए रेडी है या फिर कितना इम्पॉर्टेंट है वो प्रोजेक्ट उनके लिए कि आपको इंडिया से हायर करने की ज़रूरत है। रिसर्च करो कि सैलरी कितनी होती है। इसके लिए वेबसाइट्स अवेलेबल है, जैसे ग्लासडोर हो गया, वहाँ पे आप आपका पोजीशन डाल के पता चल सकता है कितनी सैलरी मिल सकती है, या फिर कुनूनू वेबसाइट हो गया, तो वहाँ पे भी अगर आपके पास कंपनी से ऑफ़र है तो आप कुनूनू वेबसाइट पे सीधा कंपनी सर्च कर सकते हो और आपकी पोजीशन के लिए क्या रेंज ऑफ़र होती है वो ढूंढ सकते हो। तो अब सैलरी पता चल गई आपको, तो उसमें से आपको देखना है कि परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से मैच हो रहा है कि नहीं। उसके लिए भी वेबसाइट्स अवेलेबल है, PPP कैलकुलेटर डाल दो गूगल में, इमीडिएटली आ जाएगा कि कितना होना चाहिए आपका सैलरी, इंडिया में कितना है और अभी कितना है उस हिसाब से। तो मोस्टली तो मैं यही कहती हूँ कि आपका गोल सेट कर लो पहले कि क्या गोल है यूरोप मूव करने का। अगर गोल है कि अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, अपने बच्चों के लिए काफ़ी सेफ कंट्री चाहिए रहने के लिए, या फिर एजुकेशन अच्छा चाहिए, तो फिर डेफिनेटली मूव करो। बट अगर जो मेरे साथ जनरली 1-to-1 कॉल्स डालते हैं लोग, उनके पैकेजेस बहुत हाई है, 50 लाख to 1 करोड़ के बीच में जिनके पैकेजेस हैं, वो मेरे साथ अपॉइंटमेंट डालते हैं और उनको यूरोप मूव करना। तो इस सिचुएशन में आई वुड एडवाइस कि आप इंडिया में बेटर कमा रहे हो, क्योंकि इंडिया में 1 करोड़ में या फिर 50 लाख में भी जो सेविंग होती है, इम्पॉसिबल है कि वो सेविंग आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो यूरोप में, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस बहुत हाई है। तो इस टैक्स में इंक्लूड होता है हेल्थ इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, फिर आपका लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस, आपका पेंशन जो आएगा रिटायरमेंट के बाद, वो सब इंक्लूड होता है। तो वेदर यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी, पेंशन यहाँ पे सबको मिलता है, क्योंकि ये सोशल
सिक्योरिटी बेनिफिट्स में आता है, इंडिया में ये पर्क्स नहीं है। तो अगर आपकी सैलरी इंडिया में 1 करोड़ है तो आई वुड अज्यूम कि आपने बहुत सेविंग्स कर ली है, आपको उसका टेंशन नहीं कि पेंशन क्या होगी, इन्वेस्टमेंट क्या होंगे। तो आपको अभी अच्छी लाइफ के लिए मूव करना है, तो दैट इज़ द टाइम व्हेन आई वुड से कि हाँ, इतना सैलरी होके भी आप जॉब छोड़ के यहाँ पे दूसरा जॉब ढूंढ के उस जॉब के बेसिस पे आ जाओ। बिना जॉब के मत छोड़ना इतनी सैलरी, बिकॉज इट्स अ बिग बिग रिस्क। क्या पता कि यहाँ पे आने के बाद जॉब मिले, यहाँ की कंडीशन कैसी है, रिसेशन सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। तो अगर स्लो डाउन चल रहा है तो बहुत टफ है जॉब मिलना, और लैंग्वेज नहीं आता है फिर तो तुम बहुत ही डिफिकल्ट है। फिर तो आपको एक्सपर्ट लेवल होना पड़ेगा अपनी फील्ड में यहाँ पे जॉब मिलने के लिए। ऑल्सो अगर आपकी एज 45 के नीचे है तो फिर भी पॉसिबल है कि इंडिया से हायर कर लें। 45 के ऊपर है तो थोड़ा टफ हो जाता है कंपनीज को यहाँ पे हायर करना, क्योंकि फिर रिटायरमेंट एज भी यहाँ पे 65 है, तो फिर आपके हेल्थ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होंगे, तो दिखाना पड़ेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हो गए, आपका पेंशन का प्लान रेडी है, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा दिखानी पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर चूजिंग अ कंट्री एंड बिफोर सेइंग येस टू अ कंट्री। नेक्स्ट इज लिविंग एक्सपेंसिव। अब आपका सैलरी हो गया, उसमें से टैक्स कितना कटने वाला है ये आपको पता चल गया, तो वो बचे हुए पैसे में से आप सेव कितना करोगे और लिविंग एक्सपेंस के लिए कितना दोगे। तो सबसे पहले आप जाओ ब्रूटो नेटो कैलकुलेटर पे, वो एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपका सैलरी डाल लो एंड आपको इमीडिएटली इन हैंड कितना आएगा वो सब पता चल जाएगा। तो इस इन हैंड से आपको एक आइडिया आता है कि हाँ, मेरे पास हर महीने इतने पैसे आने वाले हैं, तो इसमें से मुझे रेंट डिसाइड करना पड़ेगा, लिविंग कॉस्ट देखना पड़ेगा। तो मैंने अभी एक रील शेयर की थी जिसमें मैंने लिविंग कॉस्ट के बारे में बताया था कि कपल का लिविंग कॉस्ट कितना होता है यूरोप में, वैसे आप देख सकते हो, या फिर नंबियो वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके रिसर्च कर सकते हो कि कितना होता है लिविंग कॉस्ट। तो लिविंग कॉस्ट इज अ मेजर एक्सपेंस। लिविंग कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट होता है देखना हमें जो इनहैंड सैलरी आती है उसमें क्या क्या कवर्ड होने वाला है जिससे हमारे पैसे बच जाएंगे। जैसे जर्मनी का एग्जाम्पल लेते हो, अगर आप मैरिड है और आप काम कर रहे हैं बट आपका पार्टनर नहीं काम कर रहा, तो आपको इन हैंड थोड़ा ज़्यादा आता है कंपेयर टू सिंगल्स। मतलब आप टैक्स कम भरते हो, आपको थोड़ा ज़्यादा आता है। फिर आपको अगर बच्चे हो गए तो पर चाइल्ड आपको 250 यूरोस हर महीने के मिलते हैं टू सपोर्ट दैट चाइल्ड, टू केयर फॉर दैट चाइल्ड। तो ये पर्क्स है आपके लिए। प्लस आपकी स्पाउस जो अर्न नहीं कर रही है और आपका चाइल्ड, उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस आपके इंश्योरेंस में कवर्ड है, तो उनके लिए आपको एक्स्ट्रा हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप मैरिड है और दोनों काम कर रहे हैं तो प्राइवेट इंश्योरेंस मेक सेंस, बट अगर आप मैरिड है और एक स्पाउस नहीं काम कर रहा है तो पब्लिक इंश्योरेंस मेक सेंस। तो ये भी थोड़े फैक्टर्स होते हैं जिससे अफेक्ट होता है कि आप कितना सेव कर पाओगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करता है सेविंग को, वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो मैं बहुत लोग देखती हूँ या फिर कनाडा के रील्स देखती हूँ जिसमें लोग अभी अभी मूव करते हैं और इमीडिएटली एक नई कार ले लेते हैं। तो नई मतलब लिटरली ब्रांड न्यू कार ले लेते हैं। तो इट शॉक्स मी बिकॉज एज समवन हु डज हर ओन इन्वेस्टमेंट, हु इज़ इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड हु अर्न्स फॉर सेल्फ, मैं देखती हूँ कि हाउ शुड आई मैक्सिमाइज माई इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज माई सेविंग्स। एंड अगर कोई पहुँचते ही इमीजिएटली कार ले लेता है तो दैट मीन्स इट्स अ मोस्ट प्रोबेबली वो लोन पे ली गई कार है, और कार एक डिप्रिशिएटिंग असेट है। तो वेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ डिप्रिशिएटिंग असेट यूजिंग मनी विच इज़ नॉट योर ओन एंड पेइंग मोर ऑन इंटरेस्ट फॉर दैट मनी, देन थोड़ा टफ हो जाता है सेविंग करना, या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से भी आपको दूसरे को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए पैसे रेडी रखना वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हर पर्सन की अपनी पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है हाउ यू सेव एंड व्हाट आर योर चॉइसेस। या फिर आपको रोज ही बाहर खाने की आदत है तो फिर दैट्स ऑल्सो वेरी दैट्स अ हैबिट दैट यू शुड कंसिडर इफ यू आर समवन हु इज इन यूरोप टू सेव मनी। इंडिया पैसे भेजना आपकी प्रायोरिटी है तो वो भी बहुत टफ हो जाएगा। सेविंग करना एक ऐसी इकोनॉमी में जो इतनी ग्रो नहीं हो रही है, या जैसे इन्फ्लेशन 6% है और सैलरी बढ़ रही है सिर्फ 3% हर साल, तो कैसे आप मैनेज करोगे? 3% मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे वो एक
सैलरी हाइक, जो ईयरली सैलरी हाइक होती है वो ऑन एन एवरेज 1.5 to 3% होती है। इंडिया में मैं सुनती हूँ कि लोगों की 20%, 25%, 50% भी बढ़ गई सैलरी, बट यहाँ पे वैसा नहीं होता। यहाँ पे अगर आपका मैनेजर बहुत खुश है तो 3% आपके बढ़ जाते हैं और कुछ कुछ साल में थोड़ा ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। एंड नेक्स्ट इज जॉब स्विच, ये मेरा लास्ट पॉइंट है। जॉब स्विच जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि सैलरी बहुत बढ़ेगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती यूरोप में। पता नहीं, ऐसे मुझे लगता है कि एज के हिसाब से वो थोड़ा गैस कर लेते कि आपको इतना मिलना चाहिए, तो यहाँ पे वो थोड़ा बायस आपको लगेगा कि अगर आपका एज उतना है तो वो उतना ही देने के लिए रेडी होते हैं। और मैं ये मन से नहीं बना रही हूँ, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज दिए हुए हैं एंड सैलरी नेगोशिएशन के टाइम पे ये एक इशू आता है कि वो कहते कि बट यू आर यंग एंड वाई यू वॉन्ट सो मच सैलरी। तो फिर इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि इवन इफ आई एम यंग, मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैंने मेरे स्किल्स के लिए, स्किल्स शार्पन करने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम डाला है, वैसा एक्सपीरियंस जमा किया है, तो दैट्स वाई आई डिजर्व दैट सैलरी। बट वो एक बायस बना लेते कि अगर ये एज है तो हम इतना ही देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। बट आपकी एज बढ़ती है तो फिर थोड़ा थोड़ा वो सैलरी बढ़ाना चालू करते हैं। तो ये भी एक सिचुएशन है, ये भी एक चीज़ है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए मूव करने से पहले। आई थिंक दोज आर ऑल द पॉइंट्स। तो मैंने जर्मनी के फोकस से बताया क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। आप सेम चीज़ आप दूसरी कंट्रीज़ के लिए रिसर्च कर सकते हो। जैसे मैंने वेबसाइट्स बनाई, वैसे वेबसाइट्स आप ढूंढ सकते हो ऑनलाइन, एंड आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या चीज़ें देखनी है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, ताकि आपको पता चले कि क्या डिफरेंस है जब हम जॉब सर्च इंडिया में करते हैं और जॉब सर्च यहाँ करते हैं, और कैसे या फिर कौन से फैक्टर्स है जो कंसिडर करने चाहिए मूव करने के पहले। देन दैट वॉज ऑल फॉर टुडे एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, बिकॉज दैट हेल्प्स माई चैनल। एंड इट्स फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट्स फ्री टू शेयर द वीडियो। तो प्लीज़ शेयर इट इन व्हाट्सएप ग्रुप्स विद योर फ्रेंड्स एंड विद एनी बडी हु इज़ इंटरेस्टेड टू मूव टू यूरोप और इंटरेस्टेड टू मूव एनी वेयर एंड वॉन्ट्स टू हैव एन आइडिया कि क्या फैक्टर्स के बारे में मुझे सोचना चाहिए मूव करने से पहले और अपनी अच्छी खासी जॉब जो इंडिया में चल रही है उसको छोड़ने से पहले। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वन।